Hello, my dear students. In this video, we are going to start our new lesson, that is sorting materials. And in this chapter, we are going to study classification of different materials based on their physical properties. On their properties like luster, hardness, texture, state, their solubility, etc. Classification of materials means grouping of materials based on their properties and appearances is called classification. Classification क्या होता है? Classification का मतलब क्या होता है? कि grouping करना materials की based on their properties and appearances. और जिस जो same properties या same appearance के material हैं उनको एक group के अंदर डालना और जो दूसरे same वाले हैं उनको another group के अंदर डालना. For example, आप जब library में जाते हो, what happens? There are many books, okay? And suppose if you want to search English book, अगर आपको English की book search करनी है तो आप क्या करोगे? वहाँ library के अंदर अलग अलग columns बने होते हैं, English का, Maths का अलग, EVS का अलग, और SST का अलग, Science का अलग, GK का अलग, इस according. और अगर आपको English की book देखनी है तो आप English के group वाले जहाँ पे इंग्लिश का शेल्फ है वहाँ पे जाओगे एंड यू टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड यू कैन रीड. तो जब भी हम कुछ भी चीज़ को क्लासिफाई करके रखते हैं या ग्रुप्स बना के रखते हैं प्रॉपर, घर के अंदर भी अगर हम अपने मटेरियल्स को प्रॉपर अरेंज करके रखते हैं ग्रुप के अंदर या प्रॉपर क्लासिफाई करके रखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, तो हमें वो ईजिली मिल जाती है और हमारा टाइम भी सेव होता है. सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन विच मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड और क्लासिफाइड आर डिस्कस बिलो. अब हम पढ़ेंगे कि किन बेसिस पे, किन प्रॉपर्टीज़ पे उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइक सबसे फर्स्ट है लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइन. द शाइन ऑफ अ मटीरियल इज कॉल्ड लस्टर एंड द मटीरियल्स दैट शाइन और अपीयर और शाइनी आर कॉल्ड लस्टरस मटेरियल. तो लस्टरस मटेरियल कौन से मटेरियल है जो शाइन करते हैं और हमें शाइनी दिखते हैं? दे आर लस्टरस मटेरियल. एंड फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, जेमस्टोन, ये सब लस्टरस मटेरियल हैं जो शाइन करते हैं, चमकते हैं. मटेरियल्स दैट डू नॉट शाइन और अपीयर डल आर कॉल्ड नॉन लस्टरस मटीरियल. जो मटीरियल शाइन नहीं करते, डल होते हैं, मीन्स चमकीले नहीं होते, दे आर नॉन लस्टरस मटीरियल. फॉर एग्जाम्पल पेपर, रबर, वुड, कार्डबोर्ड, दे ऑल आर नॉन लस्टरस मटीरियल. हेयर देर इज़ एन एक्टिविटी टू क्लासीफाई द गिवन मटीरियल एज लस्टरस और नॉन लस्टरस मटीरियल. अगर हमें आप लोगों को ये चीज़ें दे रखी हैं, पेपर, रबर, कॉइन, एल्यूमिनियम शीट, वुड एंड स्टील, अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के कि कौन से लस्टरस हैं, कौन से नॉन लस्टरस हैं. लस्टरस मीन्स जो शाइनी है, नॉन लस्टरस मीन्स जो नॉट शाइन, दे डू नॉट शाइन. वो वाले मटेरियल्स के नेम आपने इस कॉलम में अलग टिक करना है उनके आगे. ओके, नेक्स्ट इज हार्डनेस. मटीरियल कैन बी हार्ड और सॉफ्ट. अब जो भी मटेरियल हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं. मटेरियल्स डेट आर इजी टू कंप्रेस आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स. जो भी मटेरियल्स इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, मींस आप उनको आराम से दबा सकते हो, दे आर सॉफ्ट मटेरियल्स. एंड मटेरियल्स डेट आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर हार्ड मटेरियल्स. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन, वूल, फोम, स्पंज, दीज आर ऑल सॉफ्ट मटीरियल. एंड मटीरियल्स लाइक वुड, प्लास्टिक, दे आर ऑल हार्ड मटीरियल्स. नेक्स्ट हेडिंग इज टेक्स्चर. अब टेक्स्चर क्या होता है? टेक्स्चर ऑफ अ सब्सटेंस इज हाउ इट फील्स व्हेन टच्ड. व्हेन वी टच समथिंग, how it appears is known as texture. So materials that have uneven or irregular surfaces, they are known as rough materials. जो
टच करने पे अनइवन लगते हैं, या ऐसे लगता है कि हार्ड सा सरफेस है और इरेगुलर है उसके ऊपर सरफेस के, रफ है, रिजेस हैं, बम्प्स हैं, तो दे आर रफ सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स डैट हैव इवन सर्फेसिस दे आर कॉल्ड स्मूथ सर्फेसिस, जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन होते हैं जिसमें रिजेस नहीं होते, बम्प्स नहीं होते, तो दे आर नोन एज स्मूथ सर्फेसिस. ओके, लाइक स्मूथ सर्फेस का एग्जाम्पल हो सकता है ग्लास, और जो रफ सर्फेस का एग्जाम्पल हो सकता है ट्री ट्रंक, रॉक्स, स्टोन्स, दे हैव. Greetings all of you, I welcome you again. We were studying about sorting materials in our previous class. First thing we are going to study is states. Now what are states? Now there are three states of matter. Matter ki three states hoti hain, kaun kaun si? Solid mein, liquid and gaseous state. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर लो तो वाटर की थ्री स्टेट्स होती हैं. एक तो होती है सॉलिड जिसमें आइस आ जाती है, लिक्विड वाटर इटसेल्फ एंड गैशियस स्टेट वाटर वेपर. इस तरह से सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस थ्री स्टेट्स होती है मैटर की. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है, मीन्स फिक्स होती है. एंड लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. मीन्स अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, अगर आप उसको किसी पैन में पुट करोगे देन ऑल्सो इट विल बी सेम अ ग्लास ऑफ वाटर, बट उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. इट मीन्स डेफिनेट शेप नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है. गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है. सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो मींस एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते, पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होती. पहली बात तो ये कि जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. कोई भी मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और उसमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है. एंड लास्ट इज गैशियस पार्टिकल्स आर वाइडली पैक्ड विद मोस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस. और इसके अंदर गैशियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनकी इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा होती हैं. सॉलिड्स हैं इसी वजह से दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट फ्लो. लिक्विड्स जो हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, दे कैन फ्लो. और गैसेस जो दे कैन फ्लो ऑल्सो, दे कैन मूव ईजीली फ्रीली एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल. आप उसको ईजीली कंप्रेस कर सकते हो. जब आपको इधर पिक्चर शो की हुई है सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं ये आपको राउंड शेप में शो किए हुए हैं, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड्स के लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के देखो कितने कितने दूर दूर हैं. नाउ दिस फिगर शोज इंटर पार्टिकल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मतलब उसको उसके अंदर घोलते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. नाउ बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड. अब इनको हम इस सॉल्युबिलिटी पे क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होता है सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल, एक होता है मिसिसेबल एंड एक होता है इमिसिसेबल. नाउ सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जो गिवन लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक सॉल्ट, शुगर, दे कैन डिसॉल्व इन वाटर. इनसॉल्युबल दैट सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो डिसॉल्व नहीं होते गिवन वाटर के अंदर या गिवन लिक्विड के अंदर, उनको इनसॉल्युबल कहते हैं. मिसिसेबल मीन्स लिक्विड्स दैट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड आर कॉल्ड मिसिसेबल लिक्विड्स. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है, लेमन है, जूस है, ये डिसॉल्व
हो जाते हैं, बट ये जो सब्सटेंस होते हैं वो खुद भी लिक्विड होते हैं और वो लिक्विड के अंदर ही हो रहे होते हैं, उनको मिसिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इमिसिसिबल लिक्विड्स, वो लिक्विड्स जो डिसॉल्व नहीं होते गिवन लिक्विड के अंदर उनको इमिसिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटेशन। ओके, फ्लोटेशन आपको नेम से ही पता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अगर जो मटेरियल है वो फ्लोट कर रहा है पानी के सर्फेस पे, उसको हम फ्लोटेशन कहते हैं, फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड मतलब इट मीन्स इट इज़ शोइंग फ्लोटेशन। एंड सर्टेन मटेरियल्स विच डू नॉट फ्लोट, वो उन बेसिस पे उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मटेरियल्स मे फ्लोट और सिंक। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज मटेरियल्स, जैसे वुड है, लीव है, फेदर है, ये लेस डेंस हैं तो ये वाटर पे फ्लोट करते हैं। और मटेरियल जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये बहुत डेंसर हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर पे, मोटर में जैसे ही उनको डालते हो आप, वो सिंक करके नीचे चले जाते हैं। सो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना उसका मास है ऑब्जेक्ट का अपॉन उसकी कितनी वॉल्यूम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट इज़ अ सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करता है आयरन के पीसेस को या सब्सटेंसेस को। नाउ बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, हम मैग्नेटिक, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था, मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड आर कॉल्ड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, एंड मटीरियल्स विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। तो इस बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू टू योर साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग अबाउट सॉर्टिंग मटीरियल्स। वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज इन विच मटीरियल्स कैन बी डिवाइडेड। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कंडक्टिविटी। सम मटीरियल दे हैव अ प्रॉपर्टी इन विच दे कैन अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, वाइल सम डू नॉट हैव। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने से अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करने के। तो दोज मटेरियल्स डैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एंड दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अलाउ नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम, वो इंसुलेटर्स होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की टू अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टर्स जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, दे आर अगेन कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, कंडक्टर्स ऑफ हीट। कई मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं हीट के, जो सिर्फ हीट को पास कर सकते हैं, एंड सम आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्टर्स ऑफ हीट देखते हैं हम पहले, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो भी मटेरियल्स अपने अंदर से हीट पास कर सकते हैं दे आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स। मेटल्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट। इंसुलेटर वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ। सो नॉन मेटल्स जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, एयर है, पेपर है, दे ऑल आर नॉन कंडक्टर्स और यू कैन से इंसुलेटर ऑफ हीट। नेक्स्ट इज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटीरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स भी गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक प्लास्टिक, रबर, दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रांसपेरेंसी। नाउ मैटर्स दे कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट
एंड ओपेक। थ्री, ये जो थ्री कैटेगरीज हैं ये किस पे बेस्ड हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट एक मटेरियल अपने अंदर से अलाउ करता है, पास करता है। लाइक मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जिसमें से पूरी लाइट आप एक साइड से लाइट पास करो, दूसरी साइड से वो लाइट क्रॉस हो रही है उस मटेरियल के अंदर से, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। मीन्स आप उस मटेरियल के दूसरी साइड से देख सकते हो कि दूसरी साइड पे कौन खड़ा है, ओके, या क्या चीज़ है। क्लियर ग्लास, एयर, वाटर, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं लाइट बट नॉट कम्प्लीटली, पार्शली दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, उनके अंदर से पार्शली लाइट क्रॉस होती है। जैसे कि बटर पेपर, कलर्ड फ्रॉस्टेड ग्लास, दे दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल। तो आप इस एक्सरे फिल्म, तो इनमें से आप क्या होता है क्लियरली नहीं देख सकते, बट यू कैन सी। एंड नेक्स्ट टाइप इज ओपेक मटीरियल। ओपेक मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिसके अंदर से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती दूसरी साइड पे, और वी कैनॉट सी अक्रॉस इट, लाइक वुड, कार्डबोर्ड। These are all examples of opaque materials. जब भी कोई wooden door होता है, अगर वो close है तो आपको बाहर पता नहीं चलता कौन खड़ा है, because it is an opaque material. So with this, we have finished with our lesson. I hope you have understood it. Thank you.